हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसमें सबसे पहला सब टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज द बिगिनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, जिससे कि काफी लोग रिवोल्ट कर रहे थे। पीजेंट रिवोल्ट हो रहा था, ट्राइबल रिवोल्ट हो रहा था। तो पीजेंट, ट्राइबल रिवोल्ट, ये सब हम लोग देखेंगे लास्ट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जब पढ़ेंगे अलग से। बट उसी बीच जो सबसे बड़ा रिवोल्ट होता है, या फिर सिपॉय म्यूटिनी बोलते हैं आर्मी का, इंडियन सिपॉयज का, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही होती है, वही लोग रिवोल्ट करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसे कंसिडर भी किया जाता है एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके पीछे सारे आर्ग्यूमेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आज हम लोग देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से और कैसे शुरुआत होता है, कौन कौन से सेंटर्स पे कौन कौन से लीडर्स लड़ते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, और फाइनली किस तरह रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस कर दिया जाता है ब्रूटली बाय द ब्रिटिशर्स। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो पहले हम लोग देखेंगे स्पार्क, स्पार्क कहाँ पे लगता है जिसके कारण ये शुरू होता है। कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था। तो 1856 में जो ऑलरेडी इंडियन सिपॉयज राइफल यूज कर रहे थे, ब्राउन ब्रास राइफल्स बोला जाता था उसे, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है बाय ए न्यूली बिल्ड अप एनफील्ड राइफल्स। ये एनफील्ड राइफल्स का मैन्युफैक्चर दमदम नाम का जगह वेस्ट बंगाल में होता था, और इस राइफल को एज ए ट्रायल पुट किया गया था मेरठ में। द डिस्कंटेंट अमंग द सिपॉयज वेयर रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स अबाउट मिक्सिंग ऑफ बोन्स, डस्ट इन फ्लोर एंड ग्रीज्ड रैपिंग पेपर ऑफ द कार्टेज ऑफ द न्यू राइफल इंट्रोड्यूस्ड हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग एंड द ग्रीस वॉज रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि एक अफवाह उड़ा था सिपॉयज के बीच में कि जो आटा है, आटा में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, पुराने मरे हुए जानवर या फिर व्यक्ति के हड्डियों को चूर करके उसमें मिला दे रहे हैं ताकि वो धर्म को बदल सके सिपॉयज का। तो ऐसा एक अफवाह उड़ा था कि वो लोग जो है आटा में मिला दे रहे हैं बोन्स का चूर करके, और वो खिला रहे हैं इन सिपॉयज को। तो यहाँ पे एक डिस्कंटेंट अराइज होता है अमंग द सिपॉयज। दूसरा ये था, ये जो नया राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज नोन एज एनफील्ड राइफल्स। सो इस राइफल्स का जो कार्टेज था, कारतूस था, तो वहां से जो बारूद निकालना होता था वो मुंह से फाड़ के उसमें भरना होता था, और वो जो कार्टेज बना हुआ होता है उसको माना जाता था, ऐसा अफवाह उड़ा था या सही में था ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो लेकिन ऐसा अफवाह था कि वो जो कारतूस है वो बना हुआ है तुम्हारा पिग का फैट और बीफ से। अब हमें पता है कि बीफ इज कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड फॉर हिंदूज, वहीं ये एक टैबू है पिग फैट फॉर मुस्लिम्स। तो दोनों के मन में एक डिस्कंटेंट अराइज हो जाता है फॉर द ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज एंड टैबू फॉर मुस्लिम्स। सो इस तरह से एक ओकेजन मिल जाता है कि ऑलरेडी जो पॉलिसीज है ब्रिटिश का, उसके अगेंस्ट में जो मन में जो भी भड़ास था इन सिपॉयज का, उसको एक और चिंगारी मिल जाता है ये सब डिस्कंटेंट से, और जो कि फाइनली ओपन अप हो जाता है। सो स्पार्क एक्चुअली स्टार्ट होता है सबसे पहले बराकपुर कंटोनमेंट। बराकपुर तुम्हारा वेस्ट बंगाल में ही है, दमदम से जब आगे जाओगे वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में, तो दक्षिणेश्वर स्टेशन के पास जहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर है, जस्ट हावड़ा नदी के पहले वहां पे एक कंटोनमेंट बना हुआ है, दैट इज नोन एज बराकपुर कंटोनमेंट। इस बराकपुर कंटोनमेंट में एक यंग सिपॉय थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये एक आर्मी का रेजिमेंट होता है उसी तरह, 34th नेटिव इन्फेंट्री वहां पे था, जिसका नाम था मंगल पांडे। सो मंगल पांडे साहब रिफ्यूज कर दिए थे ये राइफल को यूज करने से, और उसी राइफल से फायर कर दिए थे अपने सर्जेंट मेजर को, जो कि एक इंग्लिश ऑफिशियल था ऑफ हिज यूनिट। बाद में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है 8 अप्रैल को, फांसी या फिर तोप में लगा के उड़ा दिया जाता है शायद से। तो और रेजिमेंट को डिसमेंटल कर दिया जाता है।
24 अप्रैल 1857 को जो थर्ड नेटिव कैवलरी थी मेरठ में, जहां पे एज ए ट्रायल बेसिस पे लगाया गया था एनफील्ड राइफल्स को मेरठ कंटोनमेंट में, वो भी रिफ्यूज कर देती है टू यूज द एनफील्ड राइफल। इस रेजिमेंट को भी डिसमेंटल कर दिया जाता है और जो 90 आर्मी मैन या सिपॉयज जो रहते हैं मेरठ कंटोनमेंट में, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ट्रायल उनके ऊपर ट्रायल चला जाता है, केस चलाया जाता है। तो जब वर्डिक्ट आता है इस ट्रायल का, इस केस का, 9 मई 1857 को, और 90 में से 85 सिपाही को गिल्टी फाउंड किया जाता है और कन्विक्ट दोषी करार कर दिया जाता है। 10 मई 1857 के दिन इंग्लिश ऑफिशियल सुबह सुबह गए होते हैं चर्च प्रेयर के लिए। उसी बीच जो बचे हुए इंडियन सिपॉय थे वो आर्मरी, आर्मरी वो जगह होता है जहां पे बंदूक तोप ये सब जितना एम्यूनेशन है वो रखा जाता है। तो बचे हुए इंडियन सिपॉयज क्या करते हैं, ये आर्मरी लूट लेते हैं और जेल को खोल देते हैं और अपने दोस्त जो 85 सिपॉयज थे उसको छुड़ा देते हैं। और उसके बाद वहां से स्टार्ट करते हैं एक बैनर ऑफ रिवोल्ट बाय किलिंग 2200 इंग्लिश पीपल। वो लोग चर्च की तरफ गए और चर्च से ब्रिटिशर्स लोग निहत्थे आ रहे थे, तो इंडियन सिपॉयज ने उन्हें वहीं पे भून डाला मेरठ। इस तरह 2200 इंग्लिश पीपल मेरठ में मारे जाते हैं उस दिन। मेरठ के सिविलियंस जो आम लोग थे वो भी ज्वाइन कर जाते हैं इन सिपॉयज के साथ रिवोल्ट में, और साथ मिलके ये लोग चढ़ाई करते हैं दिल्ली के लिए, एंड टुगेदर दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ये लीडर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिंबॉलिक लीडर जो थे वो बहादुर शाह जफर को चुना जाता है एज ए सिंबॉलिक हेड बाय दिस सिपॉयज। तो ये जो सिपॉयज थे ये फाइनली दिल्ली पहुंच जाते हैं 11 मई 1857 को, और वहां जाके लोकल इन्फेंट्री जो दिल्ली की थी उसको ज्वाइन कर लेती है। और वहां के साइमन फ्रेजर नामक एक यूरोपियन ऑफिसर को मार देती है और पूरा सिटी को कब्जा अपने अंदर ले लेती है ये सिपॉयज। लेफ्टिनेंट विलक बॉय जो थे वो दिल्ली में जो आर्मरी है उसका नाम था द मैगजीन, उसे भी मार देते हैं और वहां का भी आर्मरी को लूट लेते हैं। और उसके बाद लूटने के बाद, दिल्ली कैप्चर करने के बाद, ये सिपॉय सिटीजन्स जो लोकल इन्फेंट्री थे दिल्ली की, ये लोग मिलके चाहते हैं रेड फोर्ट। बहादुर शाह जफर जो है काफी वीक मुगल रूलर नॉर्मली हो गए थे तब तक, और वो डर जाते हैं, तो वो ऑर्डर कर देते कि रेड फोर्ट लाल किला का दरवाजा को बंद किया जाए। बट इससे पहले कि बंद होता, सिपॉय वहां पहुंच के एंट्री ले लेते हैं रेड फोर्ट। तो इनिशियली क्या था, बहादुर शाह जफर बहुत नाकुर कर रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये सब चीज में एग्री नहीं कर रहे थे फॉर बिकमिंग द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बट बहादुर शाह जफर फाइनली एग्री कर जाते हैं बाद में सिपॉयज के मनाने के ऊपर। और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो है बहुत सारे खत लिखते हैं जितने भी चीफ्स हैं या रूलर्स हैं इंडिया में, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग मिलके एकत्रित होते हैं, कॉन्फिडरेसी बनाते हैं ऑफ स्टेट्स, और फाइनली एक फाइट देते हैं ताकि हम ब्रिटिश रेजिम को रिप्लेस कर सके भारत से। फाइनली मुगल कोर्ट्स वेयर फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनके नाम पे कॉइन्स फिर से स्ट्रक किया जाता है बहादुर शाह जफर के नाम पे, और सून द रिवोल्ट स्प्रेड इन बंगाल आर्मी तक, अवध आर्मी, रोहिला खंड आर्मी, ये सब आर्मी तक भी पहुंच जाता है। वहां की भी आर्मीज और सिपॉयज जो है रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ब्रिटिश का अथॉरिटी पूरा हिल जाती है भारत में। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि दिल्ली जो है तुरंत में बन जाता है सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट। दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट, और बहादुर शाह जो है एक सिंबॉलिक हेड बन जाते हैं रिवोल्ट का। तो ये जो एक्ट था, दिस ट्रांसफॉर्म्ड ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, जो ये एक क्या था, सिपाही विद्रोह था से स्टार्ट हुआ था, म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स से स्टार्ट हुआ था। फाइनली दिल्ली जाते जाते ये क्या बन गया, एक रिवॉल्यूशनरी वॉर बन गया, जब बाकी लोग भी ज्वाइन कर लिए और बहादुर शाह जफर को एज अ सिंबॉलिक हेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये भी सिग्निफाई करता है कि जो रेबल्स थे दैट वेर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उनको अभी भी मुगल एम्परर पे ही भरोसा था। यहाँ पे रिलीजन जो है थोड़ा सा फैक्टर प्ले करता है, ज्यादा फैक्टर नहीं प्ले करता है, बट द रेबल्स वेर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस आइडेंटिटी। ये नहीं था कि तुम हिंदू हो मुस्लिम है और हम लोग फिर ये करेंगे, साथ में नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमें पता है कि वो जो सिपॉय म्यूटिनी मेरठ से स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत सारे हिंदू थे, फिर भी वो लोग जाके बहादुर शाह जफर एक मुस्लिम को, इस्लाम है एक हेड को चुनते हैं एज द हेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857।
और सबका एक्चुअली हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका एक ही परसेप्शन था कि उनका जो दुश्मन है सिर्फ एक ही है और वो है ब्रिटिश, इसलिए हो सके ये लोग यूनाइटेड भी हो। ये तो था सिपॉयज का कहानी। देखते हैं यहाँ पे सिविलियंस का पार्टिसिपेशन कैसा था, आम लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा था इस रिवोल्ट ऑफ 1857। सो द रिवोल्ट ऑफ द सिपॉयज जो है दैट वाज अकॉम्पनीड बाय सिविल पॉपुलेशन, जैसे कि पीजेंट्री, पीजेंट्स जो थे आर्टिशन, शॉपकीपर, जमींदार, रिलीजियस प्रीस्ट, सिविल सर्वेंट्स, ये सारे लोग नाखुश थे तुम्हारा ब्रिटिश पॉलिसी से और सप्रेस कहीं ना कहीं हुए थे, तो ये लोग भी ज्वाइन कर जाते हैं तुम्हारा रिवोल्ट को टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस और अटैक करना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर और जमींदार जो कि ऑपरेस कर रहे थे इन पीजेंट्स लोग को और ये शॉपकीपर्स लोग को। उनका जो जमींदार थे जो थोड़ा मनी लेंडर्स वगैरह थे बड़े बड़े, जैसे कि हम लोग पढ़े थे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ये सब में, रैयतवाड़ी महलवारी में, कि किस तरह वो लोग एक्सप्लॉइट किया करते थे पीजेंट्स को अकाउंट्स बुक में गलत सलत डाल के, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया उनके अकाउंट्स बुक को जला दिया, उनके डेट रिकॉर्ड्स को फाड़ दिया। तो एस्टिमेट के हिसाब से करीब करीब 1.5 लाख मैन डाइड फाइटिंग इंग्लिश इन अवध, सिर्फ अवध में 1.5 लाख व्यक्ति मारे जाते हैं इस रिवोल्ट में, जिसमें से कि 1 लाख जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस होते हैं, आम आदमी होते हैं। हाउएवर कुछ स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट्स जो थे जैसे कि जयपुर, जोधपुर, नाभा, हैदराबाद, पटियाला, भोपाल और सीख, ये लोग जो थे ब्रिटिश को सपोर्ट कर देते हैं ताकि ब्रिटिशर सप्रेस कर पाए रिवोल्ट ऑफ 1857 को, दगाबाज जी कर देते हैं ये स्टेट्स। अब देखते हैं कुछ स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां पे रिवोल्ट हुआ था और उनके लीडर कौन कौन थे। तो जैसे कि दिल्ली, दिल्ली के लीडर हमारे पता है बहादुर शाह जफर जो थे वो एक सिंबॉलिक हेड थे, लेकिन उनके जो कमांडर थे बख्त खान, इनके अंदर एक्चुअल कमांड था। सो बहादुर शाह वाज अ सिंबॉलिक हेड बट द रियल कमांड वाज विद बख्त खान। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर। तो कानपुर से जो लीडर थे दैट वाज नाना साहेब। नाना साहेब एक्चुअली जो थे ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, बाजीराव टू को अपना सन नहीं था, बाजीराव बाद में इनको एक्सपेल कर दिया गया था और इन्हें कानपुर भेज दिया गया था इसीलिए। तो इनका जो ओरिजिनल नेम था नाना साहेब का दैट वाज धोंदू पंत, ही हैड एक्सपेल्ड इंग्लिश फ्रॉम कानपुर, कानपुर से भगा दिए थे ये लोग इंग्लिश को, लेकिन फाइनली वो सरेंडर कर देते हैं सर ह्यूज व्हीलर के आगे और बाद में मैनेज कर जाते हैं नेपाल भागने को और नेपाल चले जाते हैं। लखनऊ, लखनऊ से जो लीडर थी वो थी बेगम हजरत महल, शी वॉज एक्चुअली द वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह और उनका बेटा का नाम था बिरजिस कादिर जिसको नवाब बनाया गया था। तो सर हेनरी जो है यहाँ पे सबसे पहले अटैक करते हैं लखनऊ में, लेकिन खुद मारे जाते हैं ड्यूरिंग द सीज ऑफ लखनऊ, लखनऊ को कैप्चर करने में मारे जाते हैं। फिर एक नए ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं सर कोलिन कैम्पबेल जो कि फाइनली लखनऊ को अपने अंडर वापस रिकवर कर लेते हैं। बरेली से थे खान बहादुर और जो इनको डिफीट करते हैं इंग्लिश ऑफिसर उनका नाम था जनरल रेनार्ड, ही हैड डिफीटेड खान बहादुर। बिहार से जो थे जो लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को दैट वाज वीर कुंवर सिंह, ये एक जमींदार थे जगदीशपुर के जो कि 70 वर्ष के थे, एंड दिस 70 ईयर ओल्ड मैन जो है सिपॉयज को ज्वाइन करते हैं, आरा नामक जगह है बिहार में वहां पे, और विद्रोह करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट और बहुत ब्रेवली फाइट करते हैं। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ पे एक फेमस बैटल हुआ था बैटल ऑफ चिनघाट और जो कि फाइट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट, यू कैन सर्च अबाउट बैटल ऑफ चिनघाट ऑन इंटरनेट, डिटेल मिल जाएगा। झांसी से हमें पता है फेमसली रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही होती है रिवोल्ट, तो एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी जो है वो रिफ्यूज कर दिए थे रानी लक्ष्मीबाई का जो एडॉप्टेड बेटा था दामोदर राव उसे थ्रोन पे रिकॉग्नाइज करने से, और डलहौजी एनेक्स कर लेते हैं झांसी बाय एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसलिए रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो अगेंस्ट थी ब्रिटिशर्स के और वो चाहती थी अपना झांसी को वो वापस लाए अपने अंदर नॉट विद द ब्रिटिश। तो तात्या टोपे जो थे वो ज्वाइन मार्च ज्वाइन कर जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई को और दोनों मिलके ग्वालियर जाती है मदद के लिए, लेकिन जो लोकल रूलर थे सिंधियाज, ग्वालियर के लोकल रूलर थे सिंधियाज, वो क्या करते हैं दगाबाजी कर जाते हैं और वो इंग्लिश के साथ मिल जाते हैं और बता देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो ग्वालियर में ही है और खुद ब्रिटिश को ग्वालियर एनेक्स करवा देते हैं।
फाइनली एक ब्रिटिश ऑफिशियल होते हैं सर ह्यूज रोज, ये डिफीट करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। और जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है तब सर ह्यूज रोज एक स्टेटमेंट देते हैं, दैट द स्टेटमेंट इज क्वाइट फेमस। वो बोलते हैं, हेयर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। उनका कहना था, यहाँ पे पड़ी हुई एक लेडी जो सिर्फ एक आदमी थी ये पूरे रेबल्स में, इतने पावरफुल वे से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी ये बैटल। सिंहभूम जो कि झारखंड में है तुम्हारे जमशेदपुर इलाका, वहां से जो लीडर थे गोनू। तुलसीपुर नामक जगह से थी ईश्वरी देवी, तो द स्टेट ऑफ तुलसीपुर को भी एनेक्स कर लिया होता। एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ब्रिटिश है, जिसके अगेंस्ट में ईश्वरी देवी जो है ये रिवोल्ट को लीड करती है तुलसीपुर से। नेक्स्ट इज योर अलाहाबाद एंड बनारस। अलाहाबाद एंड बनारस, यहां से जो लीड कर रहे होता रिवोल्ट को, दैट इज लियाकत अली। एंड द रेबेलियन को फाइनली जो सप्रेस किए जाते, दैट वाज बाय कॉलोनियल नील। सप्रेस करते हैं अलाहाबाद एंड बनारस वाले। अब यहाँ पे देखते हैं सेक्रीफाइस ऑफ द कॉमन मैसेस। यहाँ पे तो हम देखे कि ऊपर लीडर्स वगैरह सेक्रीफाइस करते हैं, तो आम आदमी भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सो कॉमन मासेस जो सेक्रीफाइस किए थे, दैट वाज आल्सो इमेंस, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए थे। जिसमें से कि मोस्ट प्रोमिनेंट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सहमल नामक व्यक्ति का, एक लोकल विलेजर था अब बाघट इन उत्तर प्रदेश। तो ये क्या करते हैं, हेडमैन्स और पीजेंट्स का 84 विलेज का, 84 देश को मिला के एक रेबल अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्ट करते हैं और अर्ज करते हैं कि अटैक करो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, क्योंकि वो सिंबल्स हैं तुम्हारा ब्रिटिश साम्राज्य के। प्लस वो अपना एक हेडक्वार्टर स्टेब्लिश करते हैं एक बिल्डिंग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और उसे बना देते हैं हॉल ऑफ जस्टिस। अब जो है न्याय जो होगा, कोई भी डिस्प्यूट से वो रिजॉल्व होगा इसी हॉल में। और वहां के लोगों को लगने लगा कि जो है ब्रिटिश राज खत्म हो चुका है और अपना राज आ चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली जुलाई 1857 में सहमल फाइनली मारे जाते हैं बाय द इंग्लिश ऑफिसर डनलप। ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर सहमल को मारने के बाद उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उनका सिर को गेट के बाहर लटका दिया जाता है, टू डिस्प्ले एंड टू टेरिफाई द पीपल, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उनका सर को काट के गेट पे लटकाया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट इज देखते हैं फाइनली रिवोल्ट का सप्रेशन कैसे होता है ब्रिटिशर्स के हाथों में, से सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। तो ब्रिटिश जो है फाइनली सक्सेसफुली कैप्चर कर लेती है वापस से दिल्ली, जो कि स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 था, बाय सितंबर 20, 1857, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फाइटिंग। लड़ने के बाद युद्ध वहां पे कैप्चर कर लेती है दिल्ली को। जॉन निकल्सन जो लीड कर रहे होते हैं दिल्ली का वापस कैप्चर करने का, जो तुम्हारा आर्मी था उसको लीड कर रहे थे जॉन निकल्सन, जो कि फाइनली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं इस सीज में, और फाइनली सकम्ड हिज इंजरीज, वो मारे जाते हैं अपने इंजरीज के कारण। बहादुर शाह जफर जो कि सिंबॉलिक हेड थे एंड द लास्ट मुगल एम्परर, वॉज टेकन एज ए प्रिजनर, उसे बंदी बना लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। और जो उनके बेटे थे, रॉयल प्रिंसेस थे, उन्हें पब्लिकली सबके सामने दिल्ली में शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज बाय लेफ्टिनेंट हडसन, मतलब कनपट्टी पे बंदूक सटा के उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है पब्लिकली। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना ही रहेगा मुगल का वंशज और ना ही कोई क्लेम करेगा मुगल थ्रोन, ना ही कभी होगा कोई लीडर, इसलिए उड़ा दिया जाता है द एम्परर। अब जो बहादुर शाह जफर थे वो काफी ओल्ड हो चुके थे इस वक्त, 70-80 साल, 60-70 कैसे हो चुके थे, तो उन्हें भेज दिया जाता है रंगून, जहां पे 1862 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह जो पूरा हाउस ऑफ मुगल्स था फाइनली एक्सटिंक्ट, बुझ जाता है पूरा का पूरा चिराग मुगल एम्पायर का भारत से। टेरिबल वेंजेंस वाज वर्कड ऑन द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिल्ली। अब जो था बदला का बारी था, अब ब्रिटिशर्स बदला ले रही है अपने पॉलिसीज के थ्रू, अपना सप्रेशन के थ्रू, फ्रॉम द सिटीजन्स एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों पे बहुत अत्याचार करना शुरू कर देती है, और इस तरह फाइनली दिल्ली जो है, जो फोकल पॉइंट ऑफ द सेंटर था, वो खत्म हो जाता है। एट द एंड ऑफ 1859 आते आते ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वाज रीस्टैब्लिश्ड, मतलब 1859 तक आते आते भारत में जहां कहीं भी रिवोल्ट हो रहा था बाकी सब सेंटर्स को भी ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले लेती है सबको हरा के, और फाइनली 1859
इंडियंस को बाद में इस चीज के लिए रिपे करना पड़ता है सारा कॉस्ट थ्रू देयर ओन सेपरेशन, खुद के सेपरेशन के थ्रू। बाकी हम लोग देखते हैं 1947 तक किस तरह इंडियंस ब्रिटिशर्स को रिपे करते रहते हैं। तो दिस वॉज लेक्चर फॉर टूडे, कोई डाउट यू कैन कमेंट मी। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, कल हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।